Today we will learn about new chapter. Chapter number 8 is Mapping Your Ways. Mapping Your Ways, that means in current situation, हमें कहीं भी जाना होता है तो हम Google Map का use करते हैं. वैसे ही Mapping Your Ways, यानी कि कोई हमें पूछे कि इसका कोई हमें address किसी का पूछे तो हम क्या बोलेंगे, उसके answer में क्या देंगे कि यहाँ से left जाना, left के बाद right turn लेना, फिर again left turn लेना. ऐसे हम signs के through या direction के through मैप के थ्रू उनका एड्रेस पता लगाते हैं. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेफिनेशन ऑफ अ मैप. अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया शोइंग इट्स फिजिकल फीचर्स सच एज रोड, सिटीज, लैंडमार्क एक्सेट्रा. दैट मींस फिजिकल फीचर्स, दैट मींस रोड्स, सिटीज, लैंडमार्क. लैंडमार्क क्या है, कि लैंडमार्क किसे बोलते हैं. सो हम कहीं भी जाते होंगे तो आगे कोई रास्ते में कोई बड़ी बड़ी फेमस और फेमस कोई हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं लैंडमार्क. सो अगेन आई रिपीट दिस डेफिनेशन ऑफ अ मैप. अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया शोइंग इट्स फिजिकल फीचर्स सच एज रोड्स, सिटीज, लैंडमार्क एक्सेट्रा. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्केल ऑन मैप. स्केल ऑन मैप यानी कि ऑन पेपर डिस्टेंस. हमें कहीं भी जाना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं. यानी कि अहमदाबाद से गांधीनगर तो उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, पालनपुर से महसाण तो हम पहले क्या करते हैं उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना है. सो स्केल ऑन मैप यानी कि ऑन पेपर डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केल ऑन मैप. द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड कोरिस्पोंडिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इज द एक्चुअल डिस्टेंस. आई टेक एन एग्जांपल दिल्ली टू अजमेर. दिल्ली टू अजमेर के लिए जो स्केल ऑन मैप है वो 6 सेंटीमीटर. साइड इज नॉर्थ, डाउन साइड इज साउथ,
main road along which the parade passes. Children are talking about the building they can see around them. वहाँ पे बहुत सारे people जो राजपथ के दोनों sides बैठे थे और ये जो बीच वाला जो रास्ता है वहाँ से वो parade pass हो रही है. और children are talking about the building they can see around them. यानी कि वो उनके आसपास जो भी building दिख रही है उनके बारे में जो children जो थे वो उनके बारे में बातें कर रहे थे. Sir told us that Rashtrapati Bhavan is India Gate. So that last building on our right side must be Rashtrapati Bhavan. Look, Aditi, this is India Gate. ये चिल्ड्रन ये सब बातें कर रहे थे. उनके आसपास जो भी बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसके बारे में वो बातें कर रहे थे. उत्तर प्रदेश ये सब नॉर्थ साइड पे होंगे. देन वेस्ट साइड